الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عيب الدنيا میں پاک و مکرم بن کر عیب الدنیا مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 2 فروری 2024 سورت شہر چیکو وادی علاقہ مسجد قبا میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اپنی رضا نصیب فرمائے مالک کا بڑا احسان اور کرم ہے آپ کے اس آنجرا فارم میں جس کو چیکو وادی بھی بولتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے بہت چھوٹی سی مسجد یعنی جس کو عبادت گاہ بولتے ہیں اس کی شروعات ہوئی تھی اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ سال ختم ہونے نہیں آتا کہ ضرورت پڑتی ہے کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے بڑا کرنا ہے نہیں الحمدللہ کہو دل سے الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں میں جذبہ رکھا نمازی بڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں تو مسجد جتنی بڑی بن رہی ہے چھوٹی پٹی چلی جا رہی ہے کہو الحمدللہ ہم اس مسجد کی توسیع کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ یہ 3-4 ماڑے کی مسجد بن گئی پچھلی بار میں تھوڑا آنے میں لیٹ ہوا خیر میں تو وقت پر کرسی پر تو بیٹھ ہی گیا تھا لیکن جو ساتھی کار چلا کے آئے انہوں نے کل مجھے یاد دلایا کہ مولانا پچھلی بار ہم آپ کو لے کے گئے تھے کار پارک کرنے میں دیر ہو گئی جب مسجد میں آئے تو اتنی بھیڑ تھی کہ 3rd ماڑے پر ٹیرس پہ جگہ ملی تو یہ اللہ کی شان ہے اللہ نے آپ علاقے والوں میں جذبہ رکھا ہے شوق رکھا ہے آپ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد آباد کرتے ہیں
बस दुआ करें अल्लाह इन चीज़ों को कबूल करे और हमारे लिए मगफिरत का सबब बनाए। और अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ये मस्जिदों की तामीर करने वाले वो लोग हैं जिनके पास ईमान है और जो आखिरत के दिन पर बोलो यकीन रखते हैं। क्या रखते हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारी इस मस्जिद को फिर से तौसी की ज़रूरत है, इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। आपने पिछली जुमा में भी हमारे हजरत से सुना, आज मैं फिर उसी पर जो है कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। और इस बार हमारे पास पड़ोस में जगह है और बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। कई बार ऐसा होता है कि देने वाले को ये पूछना पड़ता है कि भाई किस में देना है, कितना देना है, लेकिन हमारी इस मस्जिद के ट्रस्टियान जिम्मेदारान हमारे अख्तर भाई, जिनको आप लोग मोहब्बत से क्या राजू भाई बोलते हैं, अरे भाई बोलो ना भाई, राजू भाई बोलते ना राजू, और दूसरे हमारे ख्वाजा भाई जिनको मैं हमेशा ख्वाजा साहब ही कहता हूँ, तो दूसरे ट्रस्टी हैं ख्वाजा भाई, और तीसरे हमारे इकबाल भाई, इकबाल भाई किल्लेदार है कि नहीं, किल्ले वाले पता नहीं, इकबाल भाई किल्लेदार। ये हमारे जिम्मेदारान ने जो समझदारी का काम लिया, मैं मस्जिद में आया, दाखिल हुआ, दाखिल होते ही मेरी नज़र वो बोर्ड पे गई, वो बाहर लिखा है ना, रेती इतने की, सीमेंट इतने की, सलिया इतने का, मजदूरी इतने की, टोटल 29,25,000 ऐसा कुछ अमाउंट वहाँ लिखा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहुत समझदारी की बात है कि देने वाले को समझ पड़ता है कि किस में देना है। अरे देंगे ना इंशाल्लाह, नहीं कौन कौन देगा इंशाल्लाह, जरा हाथ उठा दे, जो बने भाई दिल खोल के देंगे इंशाल्लाह। और आप यकीन करो अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला आज तक गरीब हुआ नहीं, और कियामत तक अल्लाह के नाम पर देने वाला गरीब हो सकता? जो जितना देता है बोलो कौन देता है? दोनों जा के सरदार महबूबे दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फखरे कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों ऐसे प्यारे दुलार नबी है, आप न थे कुछ न था, आप न होते कुछ न होता। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद सल्लल्लाहु। दोनों जा के सरदार महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन। ओ मुसलमानों सुनो, दिल के कानों से सुनो, दोनों जहाँ के सरदार इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फखरे कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाए यानी मस्जिद बनाए,
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाओ, अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो, और कहाँ बनाएगा? नहीं, मोहब्बत से कहाँ बनाएगा? जन्नत में। कहाँ बनाएगा? तो क्या दुनिया में कुछ नहीं देगा? दुनिया में अल्लाह का वादा है। बुखारी शरीफ की शराह में तोहफतुल कारी, जो हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो इबादतें ऐसी कि उसका अज्र दुनिया में किसी को पता नहीं। एक अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखना, एक अल्लाह की मोहब्बत में। चचा बोलो माशाल्लाह। चचा रजब शाबान रमज़ान मुसलसल 3 महीने रोज़े रखते हैं, अल्लाह इन तमाम रोज़ेदारों को कबूल फरमाए। एक रोज़ा, उसका अजर व सवाब सिवाय अल्लाह के। बस जब आँख खुलेगी वहाँ वाली, कौन सी? अरे बोलो ना भाई, वहाँ वाली, तब पता चलेगा कि रोज़े का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। रोज़े का बदला सिवाय जन्नत के। हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक उसी तरह अल्लाह के नाम पे खर्च करना, कम से कम, कम से कम अल्लाह एक पर दुनिया में 700 देता है, एक पर 10 नहीं, एक पर, कम से कम एक पर 700। और फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। कितना बढ़ाता है? तो क्या सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बोलो सिवाय अल्लाह के। मैंने वल्ला इस उम्र में जितने लोगों को मैंने देखा जो मस्जिदें बनाने में लगे, अल्लाह के घर बनाने में लगे, याद रखना जिसने मस्जिद की ईंट को तोड़ा या जिसने मस्जिद की ईंट को गिराया या जिसने मस्जिद को ख़त्म करने की कोशिश की, अल्लाह ने उन्हें ख़त्म कर दिया, वो कभी आबाद नहीं हो सकते। याद रखना अल्लाह की तरफ से ढील मिलती है, मोहलत मिलती है, तो ये उनकी कामयाबी नहीं, ये हमेशा हमेशा जहन्नम में जाने वाले हैं। तो मस्जिद को गिराने वाले जैसे कभी कामयाब नहीं हो सकते, मेरे भाइयों मस्जिदों को बनाने वाले कभी दुनिया में गरीब नहीं हो सकते। बोलो मोहब्बत से, कभी गरीब? जो भी मस्जिदें मैंने मेरी इस उम्र में जितने लोगों को देखा जो छोटी मोटी मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदों के काम में लगे, अल्लाह उनको देता ही चला जा रहा है, देता ही चला जा रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो अल्लाह के घर बना रहे हैं। बोलो क्या बना रहे हैं? अल्लाह के। तो ये तो दुनिया में है, ये तो क्या है? दुनिया में एक पर 700। और फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिसके लिए चाहे बढ़ाता रहता है। कितना बढ़ाएगा कोई जानता? बोलो नहीं। और आखिरत में क्या मिलेगा? तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिद बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह के लिए आप मस्जिद बनाए, अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो? नहीं, हम सब तैयार हैं कि जन्नत में हमारा महल बने इंशाल्लाह। जैसे हम तैयार हैं, हर सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार थे कि जन्नत में महल बने। लेकिन उन सहाबा में चंद गरीब सहाबा, जब उन्होंने ये रिवायत सुनी तो उन्होंने बड़े अदब से नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, हम भी चाहते हैं जन्नत में घर बनाए, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं मस्जिद बना सके। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम कैसे जन्नत में अपना महल बनाए? ये यूँ समझो कि हमारे दिल की आवाज़,
हमारे दिल का सवाल था कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि पूरी बना दे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया, ओ मेरे गरीब सहाबा, अगर तुम में से किसी ने मस्जिद के काम में एक खजूर दे दी, क्या दे दिया बोलो, एक, अरे बोलो, एक एक खजूर, इसको हम ताबीर कर सकते हैं एक ईंट, एक कराई रेती, एक कराई कपची, एक बुनी सीमेंट, जो जितना दे सके, जितना दे सके। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुमने एक खजूर भी दे दी तो मेरा अल्लाह इतना सखावत करने वाला है कि कियामत वाले दिन एक खजूर का बदला तुम्हें बंगले की शक्ल में देगा। किसकी शक्ल में देगा बोलो, नहीं अब आसान हो गया कि नहीं, अरे देंगे इंशाल्लाह, दिल खोल के देंगे, बोलो दिल खोल के देंगे, दिल खोल के देंगे। एक अरबी, उसने ये रिवायत सुनी जैसे आप सुन रहे हैं, उसने रिवायत सुनी कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, उसने ये रिवायत सुनी, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, उसने ये रिवायत सुनी। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नईम भाई, माशाल्लाह, देखो जन्नत की नहर बगल में बैठी है, तुम जन्नत में अभी से मत चले जाओ, मेरी तरफ देखते रहो, मुझे साथ में लेके जाने, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं भाई। मैं तो सबको कह रहा हूँ, तुम में से जो भी जन्नत में जाए पीछे देख लेना, कहीं मैं नज़र आ जाऊँ तो मेरा भी हाथ पकड़ लेना कि मौली साहब तुम तो बयान करते थे, चलो साथ में चलते हैं, इंशाल्लाह सब साथ में जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं भाई बराबर है इंशाल्लाह। वो अरबी ने रिवायत सुनी, वक्त नहीं है मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, तो उसने इरादा कर लिया कि अकेला मस्जिद कुबा बना लूँगा, अकेला मस्जिद है, किसी का रुपया भी नहीं चाहिए। और उसने ऐसा ही किया, अल्लाह ने माल दिया था, पूरी बना ली, पूरी बना ली। आज भी आप हमारे देहातों का चक्कर लगाएं, अल्लाह की शान है देहातों में ऐसे ऐसे मालदार पड़े हैं कि एक अकेला आदमी 3-3 करोड़ की मस्जिद बना लेता है, एक अकेला आदमी, एक अकेला आदमी। आपके यहाँ भी माशाल्लाह देने वाले एक से एक पड़े हैं, मैं देखता हूँ रात दिन मेरा सबसे ये मुलाकात रहती है, उठना बैठना रहता है। अल्लाह सब देने वालों को कबूल फरमाए, सबकी सखावतों को कबूल फरमाए। उस अरबी ने अकेले मस्जिद बना ली, मस्जिद बन गई, आज इफ्तिता है, और यही रिवायत मौलाना पढ़े, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में घर बनाया अल्लाह जन्नत में महल बनाता, वो बड़ा खुश था, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई, इफ्तिता हो गया, घर गया सोया है, रात को चारपाई में सोया, आँख लगी, तो आँख लगने से पहले वो सोच रहा है, गोया दिल ही दिल में अल्लाह से बातें कर रहा, ए अल्लाह मैं तो तेरा घर बना के आया। वो मौलाना बोल भी रहे थे, लेकिन अल्लाह मैं जानना चाहता हूँ कि तूने वाकई में जन्नत में मेरा घर बनाया, वाकई में तूने जन्नत में मेरा घर बनाया। अब वो दिल ही दिल में अल्लाह से बातें कर रहा है, और आँख लग गई, क्या लग गई, जैसे आँख लगी, उलमा लिखते हैं अल्लाह ने उसको ख्वाब दिया और वो जन्नत में अपना महल देख रहा है, क्या देख रहा है बोलो, सुभान अल्लाह, क्या देख रहा है, अपना महल, वो अपना महल देख रहा है, फरिश्ता खड़ा है, तो फरिश्ते को पूछता है ये महल, तो फरिश्ते ने कहा तूने दुनिया में मस्जिद कूबा बनाई, ये तो समझाने के लिए कहता हूँ, तूने दुनिया में मस्जिद कूबा बनाई, अल्लाह ने तेरे लिए महल बना दिया, क्या बना दिया, महल। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब बनाना शुरू करते हैं तो कितना खूबसूरत बनाते हैं, तो भाई अल्लाह की बनावट को कोई बयान कर सकता है कि अल्लाह कैसा बनाता है, अल्लाह कैसा बनाता है, जो नापाक गंदे कतरे से इतनी बेहतरीन शक्ल बना सकता हो, तो उस अल्लाह की बनावट को कौन बयान कर सकता है। तो अल्लाह का बनाया हुआ बंगला, वो घूम घूम के देख रहा है, या अल्लाह क्या बंगला बनाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तू ऐसा बनाएगा। वो बंगला देखते देखते पीछे गया, तो पीछे एक और छोटा बंगला खड़ा है, क्या खड़ा है, छोटा बंगला।
बड़ा प्यारा, वो भी जन्नत का, जन्नत का बगला। तो उसने फरिश्ते को पूछा, ये तो मेरा है बड़े वाला, बड़ा प्यारा है, दिल खुश हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये छोटा बंगला किसका, ये छोटे वाला किसका। तो फरिश्ते ने कहा, तेरी मस्जिद में जिसने मदद की अल्लाह ने उसके लिए भी बंगला बनाया, उसके लिए भी बोलो। तो उसकी आँख खुल गई, ये अल्लाह मैंने तो सारी मस्जिद अकेले बनाई, किसी का रुपया नहीं लिया, ये कौन दे गया। तो सारे कारीगरों को जमा किया, मेमार जमा हो गए, तो सारे कारीगर कहते हैं, हजरत हमने किसी का रुपया तक नहीं लिया। कहा नहीं, आपने किसी का लिया है याद करो, चूंकि ये तो ख्वाब देख के आया था ना, क्या कह रहा है, तुमने किसी का नईम भाई लिया है, लिया है। अब नईम भाई जैसे जितने कारीगर थे सब मना कर रहे, अरे हजरत नहीं लिया, जाने दो, नहीं लिया है। और वो कह रहे हैं नहीं लिया है, लिया है। वल्ला मैं तुम्हें क्या बतलाऊं ख्वाजा साहब, रामदेर एक मस्जिद में मैंने इस हदीस पर बयान किया, दूसरे प्रोग्राम में जब मैं वहां पहुंचा तो उस मस्जिद के जिम्मेदार बयान के बाद दरवाजे के पास खड़े हैं, बिल्कुल आखिर में मिलने आए, मेरा हाथ पकड़ लिया और रो रहे हैं, रो रहे हैं, जी साहब क्यों रोते हो, क्यों रोते हो। तो रोते रोते मुझे कहने लगे, मौलाना आप हमारी मस्जिद में ये रिवायत बयान करके गए, तो मैं भी चारपाई में सोया और अल्लाह से बातें कर रहा था कि अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई तेरे घर की खिदमत करते करते, क्या तूने हमारे लिए जन्नत में कुछ रखा है कि नहीं। तो जैसे आपने अरबी के लिए कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह ने मुझे भी जन्नत में अपना बंगला बताया। दीन का काम करने वाला कभी नुकसान में जा सकता, बोलो, कभी नहीं जा सकता। वो अरबी कहता है तुमने लिया है, कहा नहीं लिया, बहुत देर हो गई। तो एक कारीगर अचानक याद आया, कहने लगा हाँ हाँ हजरत मुझे याद आया, रुपया तो नहीं लिया, क्या फिर क्या लिया। कहा हम रेत सीमेंट और कपची मिलाकर गारा बना रहे थे, पानी डालने के लिए डोल की ज़रूरत थी, हमारे वाला डोल टूट चुका था, डोल नहीं था, डोल की ज़रूरत थी। इतने में एक हबशी औरत काली कलोटी अपने जानवर लेके जा रही थी और उसके पास डोल थी, तो हमने कहा बहन थोड़ी देर के लिए डोल चाहिए, सिर्फ पानी डालना है, फिर लेके चली जाना। तो वो औरत ये बोल के चली गई कि अब अल्लाह के घर के लिए चाहिए थोड़ी देर, क्या रखो मैं दूसरी ले लूँगी, मैं दूसरी, वो दे के चली गई। तो इसने कहा मुझे उस औरत की मुलाकात कराओ, क्या कह रहे हैं उस औरत की, कहाँ इधर ही रहती पड़ोस में। तो गए उसके घर, वो बुरके के साथ बाहर आई, किसके साथ बाहर आई बोलो, बुरके के साथ बाहर आई, और इसने सलाम किया, उसने जवाब दिया। अब ये अरबी पूछता है, वो तूने जो डोल दी मस्जिद में कितने की थी, तो कह 10 रियाल। कितने की थी, अब हमारे एतबार से 100 रुपये की, 100 की भी नहीं बल्कि हमारी सस्ती मिलती ना, लेकिन समझाने के लिए कहता हूँ 100 रियाल, 10 रियाल, 100 रुपये। तो इसने जेब में हाथ डाला, कहा तेरे 10 रियाल, लगता है सूरत का कोई ताजिर होगा, कि दुनिया में तो कुछ छोड़ना नहीं है, जन्नत का भी छोड़ना नहीं चाहता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, नाराज मत हो जाना भाई। उसने कहा ये 10 रियाल, क्योंकि उसको यूं था कि 10 रियाल ले लेगी तो वो छोटे वाला बंगला भी अपना बन जाएगा। उसने कहा नहीं चाहिए, जा जा, नहीं चाहिए। तो इसने फिर हाथ डाला, 100 रियाल, कितने, 100। कहा नहीं चाहिए। तो इसने कहा 1000 रियाल, कहा नहीं चाहिए। कहा 1 लाख रियाल देता हूँ, कहा नहीं चाहिए। तो उसने फिर जेब में हाथ डाला, कहा 2 लाख। तो वो औरत बोलने लगी, ओ मेरे भाई कब तक कीमत लगाएगा, क्या कह रही है, कब तक कीमत। कहा क्यों, कहा तू मुझे इस डोल के 2 लाख नहीं कई लाख भी दे दे, मैं लेने तैयार नहीं, सौदा करने तैयार नहीं। कहा क्यों तैयार नहीं है। तो उस औरत का जवाब सुनो, उस औरत ने कहा मेरे भाई जैसे जन्नत में तू अपना महल देखकर आया है, मैं भी अपना महल देख चुकी हूँ, मैं भी अपना महल बोलो देख चुकी हूँ। जब मैं अपनी आंखों से अपना महल देख चुकी हूँ तब दुनिया के पैसों से इसका सौदा कर सकती, बोलो
मालूम हुआ ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सच्चा फरमान है। आपसे सच्चा फरमान किसी का हो नहीं सकता। जो जिस तरह जिस कदर अल्लाह के घर में मदद करेगा, अल्लाह दुनिया में भी करेगा। और बोलो अल्लाह मरने के करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।